हेलो एवरीवन, मैं शिव अहमद आप सभी का स्वागत करता हूं रेटिना नर्सिंग एकेडमी भोपाल के अंदर। और मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल साइकेट्री के अंदर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे कि एम्स या फिर बाकी के जितने एग्जाम्स हैं उन सब में आपके सवाल बनते हैं। जी हाँ, मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसको कहा जाता है सिज़ोफ्रेनिया। सिज़ोफ्रेनिया के बारे में बात करेंगे कि सिज़ोफ्रेनिया क्या होता है। अब देखिएगा, होता क्या है, साइकेट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर आपको इस दिमाग के बारे में सारे डिसऑर्डर्स को पढ़ना पड़ेगा। सारे डिसऑर्डर कैसे पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों, आपके जो एक ब्रेन और एक माइंड, दो शब्द यूज में लिए जाते हैं। जैसे कि आपका ब्रेन जो होता है ना, वो पूरा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की, हाँ भाई इतने वजन का है, इतने स्फेयर्स होते हैं, ये सारा आपका ब्रेन है। बट जो फंक्शनिंग की बात की जाती है उसको कहते हैं माइंड। तो माइंड के बारे में बात करते हैं कि अगर आपका माइंड नॉर्मल, बात करते हैं ना माइंड हमारा क्या है, मेमोरी कितनी तेज है, क्या क्या काम करते हो, ये तो साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। बट जब बात आती है किसके बारे में, बात आती है कुछ प्रॉब्लम्स आ गई आपके दिमाग में, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई समझने में, सोचने में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो सब आपकी कहाँ, साइकेट्री में पढ़ते हैं। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को हम लेकर के चलते हैं जिसको कहते हैं सिज़ोफ्रेनिया के बारे में पढ़ेंगे, एक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, सिज़ोफ्रेनिया जो है एक ऐसी बीमारी जिसको ढूंढने वाले यूजीन ब्लूलर थे। तो सवाल सबसे पहला यही बनता है कि इन्होंने डिस्कवर किया था, इट इज अ साइकोटिक डिजीज। ये एक तरह की साइकोटिक डिजीज होती है, डिसऑर्डर होता है, जो कि डिस्कवर्ड बाय यूजीन ब्लूलर ने डिस्कवर्ड किया। ब्लूलर इन 1908 में सबसे पहले यूजीन ब्लूलर ने बताया सिज़ोफ्रेनिया के बारे में। अब देखिएगा, मैंने शब्द लिखा है साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकोटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, हमने साइकेट्री की बीमारियों को दो तरीके से बांटा। एक का नाम दिया गया न्यूरोटिक डिसऑर्डर, दूसरे का नाम दिया गया साइकोटिक डिसऑर्डर। न्यूरोटिक और साइकोटिक में अंतर क्या होता है, बेसिक अंतर यह होता है कि एक न्यूरोसिस छोटी बीमारी है, तो साइकोसिस बड़ी बीमारी। न्यूरोसिस के अंदर आप एज अ पेशेंट, आपको ये अपने बारे में पता होता है कि मेरी क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या चीज से बीमार हूँ। बट एक साइकोटिक बीमारी जो होती है ना, उसमें कोई अता पता नहीं होता। आप एक पागल से पूछेंगे कि आप पागल हो, तो वो बोलेगा अरे मैं तो ठीक हूँ, बस ये हॉस्पिटल वालों ने पकड़ के बताया। तो याद रखिएगा, साइकोटिक और न्यूरोटिक में एक शब्द आता है इनसाइट। इनसाइट का प्रेजेंट और एब्सेंट होना ही सब कुछ है। तो इनसाइट का मतलब क्या है, अपने बारे में जानना। अपने बारे में क्या जानना, भाई मेरी कमियां क्या है, मेरे फायदे क्या है, मेरा पॉजिटिव क्या है, मेरा नेगेटिव क्या है, उनको बोला जाता है आपका, क्या कहला जाता है, इनसाइट कहा जाता है। तो साइकोटिक वाली बीमारी बड़े लेवल की बीमारी होती है जिनमें नहीं पता कि उनके प्रॉब्लम क्या है, उनके अच्छाइयां क्या है। अब देखिएगा, सबसे पहले सिज़ोफ्रेनिया। अब इस सिज़ोफ्रेनिया का पहले एक नाम दिया जाता था, अर्लियर इसको कुछ एक अलग नाम से बुलाया जाता था, उसको कहते हैं अर्लियर इट वॉज नोन बाय डिमेंशिया प्राइकॉक्स। इसको कहते हैं डिमेंशिया प्राइकॉक्स के नाम से जाना जाएगा मेरे प्यारे साथियों। किस नाम से, डिमेंशिया प्राइकॉक्स। और ये डिमेंशिया प्राइकॉक्स नाम जो था वो डिस्कवर्ड करने वाले इमाइल थे, डॉक्टर इमाइल। अर्लियर इट वॉज नोन बाय डिमेंशिया प्राइकॉक्स, डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर इमाइल क्रैपलिन। डॉक्टर इमाइल क्रैपलिन ने क्या किया, इसको डिस्कवर्ड किया कब, 1886 में। तो देखो बहुत पहले ही डॉक्टर इमाइल ने बता दिया था, बट नाम जो दिया डिमेंशिया प्राइकॉक्स का नाम दिया, और ये नाम देकर के इन्होंने बताया। अब मेरे प्यारे साथियों, आप एक बात याद रखिएगा, ये एक ऐसी बीमारी जो कि पूरी बीमारियों को लेकर के चलती है, सब बीमारियों की हेड है ये बीमारी। अब देखें, ये जो सिज़ोफ्रेनिया शब्द है ना, आप जब बात करेंगे किसके बारे में, सिज़ोफ्रेनिया के बारे में। अब इस सिज़ोफ्रेनिया शब्द को बनाया गया, ग्रीक वर्ड है ये, एक क्या है, ग्रीक वर्ड। आपसे बोला जाए ना कैसा वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड है भाई ये,
अब ये ग्रीक वर्ड मिलकर के बना, दो शब्दों से मिल बना, एक शब्द तो है आपका सिजो, और दूसरा जो शब्द होता है इसको कहते हैं फ्रेनिया का शब्द, सिजो और फ्रेनिया। अब देखिएगा सिजो का मतलब क्या होता है, सिजो का मतलब होता है बिखर जाना, स्प्लिट हो जाना, किसी चीज में बिखर जाना, स्प्लिट होना। फ्रेनिया शब्द जो है मेरे प्यारे साथियों, फ्रेनिया का मतलब है माइंड, माइंड। और माइंड के बारे में हम जानते हैं, माइंड क्या होता है, फंक्शनिंग होता है, हमारे ब्रेन का काम करना, उसको माइंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रेन कैसे काम करेगा उसको माइंड कहेंगे। ग्रीक में, ग्रीक लैंग्वेज में माइंड नहीं कहते, माइंड नहीं कहेंगे, ग्रीक लैंग्वेज में फ्रेनिया कहते हैं कि हाँ हमारा फ्रेनिया बहुत तेज काम कर रहा है, तो फ्रेनिया माने के उनका माइंड काम कर रहा है। अब देखिएगा यहाँ हो क्या रहा है, एक इंसान का दिमाग जो है ना वो बहुत सारे काम करता है, याददाश्त का काम करता है, मेमोरी का काम करता है, सोचने का काम करता है, थिंकिंग का काम करता है, चलना फिरना ये सारे काम कर रहा है, तो ये दिमाग काम कर रहा है। अब यहाँ क्या हुआ, आपके जितने काम थे वो सारे काम बिखर गए, आपका माइंड जो था वो बिखर गया, इसको ही सिजोफ्रेनिया कहा जाता है। तो आप एक डेफिनेशन देखें हम सिजोफ्रेनिया की क्या होती है, तो सिजोफ्रेनिया, सिजो फ्रेनिया इज द ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। एक डिसऑर्डर नहीं होता, इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं। सिजोफ्रेनिया इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर विच हैज डिसरप्शन इन मेमोरी, डिसरप्शन इन मेमोरी, थिंकिंग, इमोशंस, मोटर एक्टिविटी एक्सेट्रा। मानेंगे आपके हर चीज के अंदर प्रॉब्लम होना, जैसे कि मैं बोलूं कोई एक पेशेंट है जिसको मोटर डिसऑर्डर है, कोई है इमोशंस का डिसऑर्डर है, किसी के अंदर सोचने का डिसऑर्डर है, बट सिजोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं, ग्रुप ऑफ सिंड्रोम्स हैं। माने कि एक इंसान के अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक पाए जाएंगे, तो इस बीमारी को कहा जाता है सिजोफ्रेनिया कहा जाता है। प्यारे क्या कहा जाता है, सिजोफ्रेनिया कहा जाता है। अब देखिएगा सिजोफ्रेनिया में सारी चीजें, अब बोला जाता है कि एक जनरल पॉपुलेशन जो है ना, कि हम इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों में कितने परसेंट चांसेस होते हैं, तो याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ 0.5 से लेकर के 1% चांसेस हैं, परसेंट प्रिवलेंस ऑफ सिजोफ्रेनिया, प्रिवलेंस ऑफ सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया के सिर्फ और सिर्फ इतने परसेंट चांसेस होते हैं, 0.5 से 1% चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब बात आती है, हर बीमारी के पीछे एक कारण छुपा है, कि ये कारण की वजह से ही एक इंसान बीमार हो रहा है। समझ रहे हैं आप, हर बीमारी के पीछे एक कारण है कि सर ये चीज़ में गड़बड़ी थी तो ये बीमारी हो गई, किसी ने शराब पी तो उसके वजह से लीवर में प्रॉब्लम आ गई, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। बट बात आती है आपकी कि सिजोफ्रेनिया के पीछे का कारण क्या है, क्या रीजन छुपा है, तो आप देखेंगे इटियोलॉजी, कि क्या कारण होता है सिजोफ्रेनिया का। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं, किसी के अंदर बायोलॉजिकल कारण है, तो बायोलॉजिकल का क्या मतलब आता है, बायोलॉजिकल फैक्टर का मतलब है हर बीमारी के पीछे कोई ना कोई जीन का कारण है। तो आप समझेंगे किसी इंसान में जीन्स की प्रॉब्लम है, जीन्स खराब है, तो ये जीन जो होता है ये प्रॉब्लम, एक स्ट्रेस की कंडीशन जब आती है जीन के ऊपर, तो वो क्या करती है, एक प्रॉब्लम ला देती है। जैसे कि स्ट्रेस आया किसी इंसान के अंदर, इतने दिन से कोप अप करने की कोशिश कर रहे थे बट कुछ ज़्यादा स्ट्रेस आ गया, तो जो कमज़ोर जीन थे उसको आपने परेशान किया। जब ये चीज होती है तो आप याद रखिएगा साइकेट्री के अंदर सारी बीमारियां जो होती है ना, उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ केमिकल्स का लोचा होता है, केमिकल्स की दिक्कत होती है। जैसे कि आपका केमिकल, माने के हम बोले कि आपका न्यूरोट्रांसमीटर में गड़बड़ी,
मान लीजिए कई बीमारियों में तो ये केमिकल बहुत कम हो जाता है, तो कई के अंदर बहुत ज्यादा जंप करता है। तो हमारा बॉडी मैकेनिज्म क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म क्या करता है, जब तक बर्दाश्त होगी तो उस केमिकल को मेंटेन करके चलेगा, नहीं होगी तो वो अपने आप में बौखला जाएगा। तो आपने यहां देखना है, जब एक ऐसी कंडीशन आती है तो आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, ये न्यूरोट्रांसमीटर में चेंजेस आ जाएंगे। जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर मैं बताता हूं, डोपामीन, ये डोपामीन जो होगा ये बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। इस तरीके से समझिएगा, एक बल्ब है, उस बल्ब पे बहुत तेज वोल्टेज दिया, करंट दिया, तो उसकी पावर से ज्यादा दोगे तो फूक जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यहां आपके क्या हुआ, जब कोई स्ट्रेस आया, जीन आए, तो एक आपका न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज्यादा निकला, जिसको कहते हैं डोपामीन। और जब ये न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज्यादा निकला, इसके चक्कर में आपको एक आपका माइंड जो था वो स्प्लिट हो गया, आपके काम करने का प्रोसेस जो था स्प्लिट ऑफ माइंड हो गया, दिमाग का प्रोसेस जो था वो बिखर गए। और जब स्प्लिट ऑफ माइंड हो जाए तो उसी बीमारी को आप क्या कहते हैं, सिज़ोफ्रेनिया कहते हैं, सिज़ोफ्रेनिया। क्लियर गाइस, सिज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। ये आपका एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है, ये आपका फर्स्ट प्राइमरी फैक्टर है मेरे प्यारे साथियों। क्या है, फर्स्ट प्राइमरी फैक्टर, की जिसकी वजह से जरूर है कि कुछ और फैक्टर भी होंगे, बट मेन तो कारण यही है, समझ रहे। करंटली एक रिसर्च चली जिसके अंदर हमने देखा कि क्रोमोजोम भी कहीं ना कहीं एक सिज़ोफ्रेनिया को कॉज कराते हैं, क्रोमोजोम। जैसे कि क्रोमोजोम 6 और 13 जो है, इनके अंदर प्रॉब्लम हुई तो वही क्या कर देगी, सिज़ोफ्रेनिया कॉज कर देती है। ठीक है, अगर आपके शरीर में केमिकल बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसको कहते हैं नॉर एपिनेफ्रिन, ये भी आपके अंदर पॉजिटिव फीचर्स देखा देती है, पॉजिटिव फीचर शो करता है, पॉजिटिव फीचर ऑफ सिज़ोफ्रेनिया। पॉजिटिव फीचर्स ऑफ सिज़ोफ्रेनिया का मतलब है इल्यूजन होना, डिल्यूजन होना, हेलुसिनेशन होना। अगर ये केमिकल भी बढ़ता है तो ऐसे ऐसे हरकतें आपको फीचर देखने को मिलते हैं। ये बात क्लियर हुई। अब देखिएगा, ये तो प्राइमरी फीचर है कि जो मेन गड़बड़ी हुई, बट यहां पर आपको एक दूसरी फैक्टर देखने को मिलते हैं, जिसको कहते हैं साइकोसोशल फैक्टर। साइकोसोशल फैक्टर का मतलब है, कई बार पेशेंट के साथ हम ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं पेशेंट को, जैसे मदर जो होती है ना, बच्चे को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि आपको बोला जाए ओवर प्रोटेक्टिव मदर, या ओवर प्रोटेक्टिव है, बहुत ज्यादा बचा रहे हैं, तो वो चीज एकदम से स्ट्रेस आएगा, किसी बच्चे को मैं बचा रहा हूँ, छोटी छोटी बात में नहीं ऐसा नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, अब जब स्ट्रेस आया तो झेल ही नहीं पाया। दूसरी बात याद रखिएगा, जिन लोगों का इंटेलिजेंस जो होता है लो इंटेलिजेंस, इन लोगों में भी आपको देखने को मिलेगा कि इनके अंदर बहुत ज्यादा कमी पाई जाएगी। और लो इंटेलिजेंस है तो एकदम से इनके अंदर सिज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस होते हैं। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं, एक और फैक्टर होता है जिसको कहते हैं सोशियो कल्चुरल फैक्टर। अब सोशियो कल्चुरल फैक्टर क्या चीज है प्यारे साथियों, सोशियो कल्चुरल फैक्टर में देखिएगा, एक पेशेंट, उसके सोसाइटी में बहुत ज्यादा, उसके परिवार में बहुत ज्यादा गरीबी है, तो जिन लोगों के अंदर गरीबी होती है तो वो अपने आप को एक मेंटली डिप्रेस्ड पाए जाते हैं, स्ट्रेस की कंडीशन होंगे तो अपने आप सिज़ोफ्रेनिया में गुजर जाएंगे। तो ऐसे लोग जो पॉवर्टी के शिकार हैं उनमें आपको देखने को मिलता है, या फिर जो लोग एडिक्शन होता है उनमें भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, ऐसे फैक्टर हैं, गरीबी का होना, एडिक्शन का होना, इंटेलिजेंस का कम होना, ये सारे फैक्टर आपके डोपामिन को कम कर देंगे। स्ट्रेस की कंडीशन है, सारे फैक्टर डोपामिन को कम कर देंगे। इनके अलावा देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये स्ट्रेस की कंडीशन है जो दिखती नहीं है फिर भी हो रहा है, बट चौथा फैक्टर होता है जिनको हमने बोला अदर फैक्टर्स। क्या कहा, अदर फैक्टर्स कहा है। अब अदर फैक्टर का मतलब क्या होता है समझिएगा,
अदर फैक्टर का मतलब है कई बार दिमाग में आपके इन्फेक्शन हो गया। क्या हुआ? इन्फेक्शन हो गया। अब ये इन्फेक्शन क्या करेगा, आपके दिमाग की ब्रेन की मेनिंजेस को स्वेलिंग कर देगा, एक फंक्शन को डिस्टर्ब कर देगा, तो सिज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस होते हैं। कई बार मदर जो होती है प्रेगनेंसी के अंदर कुछ ऐसी अनवांटेड दवाइयां ले लेती हैं जिनकी वजह से ब्रेन डेवलप नहीं हुआ तो सिज़ोफ्रेनिया हो जाएगा। कई बार आपके चोट लग जाती है, चोट लग गई तो चोट लगने की वजह से भी एक पर्टिकुलर टिश्यू जो थे डिस्ट्रक्ट हो गए तो सिज़ोफ्रेनिया हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, इन्फेक्शन का होना, यूज ऑफ मेडिसिन इन प्रेगनेंसी, यूज ऑफ मेडिसिन इन प्रेगनेंसी, ट्रॉमा, ट्रॉमा का हो जाना, चोट लग जाना, ट्रॉमा, ट्रॉमा के साथ साथ आपके एक एंडोक्राइनल डिसऑर्डर होते हैं कि अगर आपके एक हार्मोन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो दूसरे हार्मोन को छेड़ता है, वो हार्मोन बढ़ेगा ये कम होगा। तो जिन लोगों में एंडोक्राइनल प्रॉब्लम्स होती है, एंडोक्राइनल प्रॉब्लम्स, उनके अंदर एंडोक्राइनल डिसऑर्डर वालों में भी आपको देखने को मिलता है सिज़ोफ्रेनिया कॉज होता है। ठीक है साथियों, ये आपका क्या था, ये इटियोलॉजी है कि क्या कारण बनते हैं सिज़ोफ्रेनिया के होने के। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे एक पेशेंट को आप देख करके पहचान सकते हैं कि सिज़ोफ्रेनिया का है या नहीं है। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्लिनिकल फीचर्स। क्या देखना पड़ता है? क्लिनिकल फीचर्स देखने को पड़ेंगे। अब देखिए आपका क्लिनिकल फीचर्स, कैसे कैसे क्लिनिकल फीचर आपको देखने को मिलते हैं। हमें एक पेशेंट मिला, उस पेशेंट के लिए हर साइंटिस्ट ने अपनी अपनी बात बताई कि आप ये फीचर्स को पहचान लो, इससे पता लगेगा सिज़ोफ्रेनिया है या नहीं। तीन तरीके के क्लिनिकल फीचर्स आपको पढ़ने। पहला आपको फीचर मैं बताता हूं जिसको कहा जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी फीचर। प्राइमरी और सेकेंडरी फीचर, पहला फीचर होता है प्राइमरी और सेकेंडरी फीचर होगा। दूसरा फीचर जो होता है इसको कहा जाता है आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीचर कहा जाता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीचर कहा जाएगा, प्राइमरी फीचर, सेकेंडरी फीचर, पॉजिटिव नेगेटिव फीचर। तीसरा फीचर आपका जो बनता है जिसको कहा जाता है फर्स्ट रैंक फीचर या फिर फर्स्ट रैंक सिम्टम्स कहा जाता है। अब देखें एक एक को समझते हैं। सबसे पहले प्राइमरी एंड सेकेंडरी को समझते हैं कि क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में। हमारा पहला फीचर बताया गया जिसको कहते हैं प्राइमरी सेकेंडरी फीचर्स, सेकेंडरी फीचर्स। अब ये फीचर देने वाले थे आपके साइंटिस्ट जिनको कहा जाता है यूजीन ब्लूलर, जिन्होंने नाम दिया था सिज़ोफ्रेनिया। उन्होंने ही एक्सप्लेन किया प्राइमरी और सेकेंडरी फीचर। उन्होंने बताया कैसे आप पहचानोगे किसी भी एक इंसान सिज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट को। तो याद रखें दिस फीचर्स आर गिवन, दीज फीचर्स आर एक्सप्लेन्ड बाय, एक्सप्लेन्ड बाय यूजीन ब्लूलर, यूजीन ब्लूलर। ये फीचर बताए गए यूजीन ब्लूलर ने। किन्होंने बताए? यूजीन ब्लूलर ने। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दीज आर ऑफ टू टाइप्स डेट आर प्राइमरी, डेट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, डेट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी है और सेकेंडरी फीचर है। अब देखिएगा प्राइमरी फीचर में क्या बोला गया कि यूजीन ने बोला कि प्राइमरी फीचर जो होते हैं ना, ये प्राइमरी फीचर बेसिक फीचर है जो आपको एक साइकेट्रिक पेशेंट में ढूंढने। यूजीन ने बोला चार ऐसे फीचर हैं, उनको ढूंढना कि कहीं अगर ये चारों फीचर पाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिज़ोफ्रेनिया है। ठीक है, प्राइमरी फीचर को ही हम बेसिक फीचर कहते हैं, प्राइमरी फीचर को ही हम फंडामेंटल फीचर कहा जाता है। तो आपने क्या देखना है, दीज प्राइमरी फीचर्स, दीज प्राइमरी फीचर्स आर
फीचर्स आर ऑल्सो नोन एज कैसे, ऑल्सो नोन एज बेसिक फीचर और फंडामेंटल फीचर, और फंडामेंटल फीचर्स, बेसिक फीचर या फिर फंडामेंटल फीचर कहते हैं ऐसे फीचर जो ढूंढना है देखना है। तो ये प्राइमरी फीचर आपके चार प्रकार के होते हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाता है एग्जाम्स में, आप फाइट करेंगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कौन कौन से चार फीचर है, तो याद रखिएगा इन चार फीचर का नाम 4A से बोला जाता है। कितने? 4A's। सॉरी, तो इनको क्या कहा जाएगा? 4A's कहा जाता है। 4A में देखिएगा, सबसे पहला फीचर आपको ढूंढना है कि यूजीन ने बोला, पहला आप देखिएगा ऑटिज्म, क्या देखना है? ऑटिज्म, एक इंसान को ऑब्जर्व करें, एक पेशेंट को ऑब्जर्व करें कि इसके अंदर ऑटिज्म है क्या। अब ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म का मतलब है पेशेंट को ऑब्जर्व करना कि ये जो पेशेंट है ये अपने आप पे खोया हुआ है क्या, मेंटल इंट्रोवर्जन कहते हैं। ऑटिज्म मतलब पड़ोस में क्या हो रहा है, कोई जी रहा है, मर रहा है क्या, कोई खुशियाँ आ रही है, दुख आ रहा है, कोई मतलब नहीं है, अपनी दुनिया में है, इसको कहते हैं ऑटिज्म। मेंटल इंट्रोवर्जन इसके बारे में लिखते हैं, पेशेंट इज अनअवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द सराउंडिंग। What is happening in the surrounding? उनको कोई मतलब नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, कोई खुशी हो रही है, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, कोई happiness, कुछ नहीं, वो अपनी दुनिया में। पहली चीज यही ढूंढनी है schizophrenia वाले में, autism ढूंढना है। दूसरी बात यूजीन ने बोला एक सिम्टम ये भी ढूंढना कि कहीं उसके अंदर एम्बिवेलेंस के कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं है। एम्बिवेलेंस, अब एम्बिवेलेंस का मतलब क्या होता है? यूजीन ने बोला कि एक पेशेंट जो होगा सिज़ोफ्रेनिया वाला, वो अपोजिट फीलिंग, अपोजिट एटीट्यूड, अपोजिट विशेज शो करता है किसी एक पर्सन के लिए। मान लीजिए मैं किसी को प्यार करता हूँ, तो मैं अगर जब सिज़ोफ्रेनिया में होऊंगा तो मैं उससे नफरत करने लग जाऊंगा। समझ में आई आपको बात? यहाँ हो क्या रहा है, एक इंसान सिज़ोफ्रेनिया वाला अपोजिट फीलिंग, अपोजिट एटीट्यूड, अपोजिट विशेज एक पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए शो करता है। तो एम्बिवेलेंस, इट इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन शोज अपोजिट फीलिंग एटीट्यूड और विशेस फॉर अ पर्सन सिचुएशन और ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और ऑब्जेक्ट। तो एक इंसान एक सिचुएशन या एक ऑब्जेक्ट के प्रति अपोजिट फीलिंग दिखाना एम्बिवेलेंस कहा जाता है। फिर यूजीन ने बोला कि तीसरी बात भी हमें याद रखनी है, तीसरा फीचर भी कहना है जिसको कहा जाता है एसोसिएशन डिस्टरबेंस। क्या कहा जाता है गाइस? एसोसिएशन डिस्टरबेंस कहा जाता है। अब एसोसिएशन डिस्टरबेंस का क्या मतलब होता है? आपने पूछा सिज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट से आप कैसे हो या आपके शर्ट का कलर कैसा है, तो वो क्या करेगा? आपने बोला ये क्या चीज है, तो वो क्या बोलेगा? आपने बहुत अच्छा से कपड़े पहन रखे हैं और ये, और इस तरीके से आपने पकड़ रखा है, भाई पूछा क्या है, ये पेन है। याद रखिएगा एसोसिएशन डिस्टरबेंस का मतलब है जो चीज आप पूछते हो ना उससे, वो उसके चारों तरफ घूमेगा, उसके अनरिलेटेड चीजें उससे बताएगा, बट कहीं ना कहीं उसका मतलब ये होता है कि वो बताना चाह रहा है पेन है। तो याद रखिएगा अनरिलेटेड
एक डायरेक्शन में घूमते रहना, किसी चीज़ के बारे में बताने की कोशिश करना, बट रियलिटी में उस चीज़ को ना बोल पाना, उस चीज़ को ना बता पाना, एसोसिएशन डिस्टर्बेंस कहलाता है। इट इन दिस कंडीशन पेशेंट गिव्स वेरियस आइडियाज वन आफ्टर द अदर बट नॉट गिव एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहा है, आइडियाज दे रहा है कि हाँ ये ऐसा है, ये वो वैसा है, बट अनरिलेटेड है, उससे जुड़ नहीं रहा है। ठीक है, चौथी बात यूजीन ने बोली कि आपको देखना है उस पेशेंट के अंदर क्या देखना है, उस पेशेंट के अंदर देखना है अफेक्टिव इनकॉन्ग्रुइटी तो नहीं है, अफेक्टिव इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब क्या होता है? अफेक्टिव का, अफेक्शन का मतलब होता है लगाव का होना। तो अफेक्टिव इनकॉन्ग्रुइटी, पहले किसी चीज से प्यार था उसको, किसी चीज से लगाव था, बट जब सिज़ोफ्रेनिया होगा उसका मूड उस चीज के लिए इनएप्रोप्रिएट हो गया, मूड में आ ही नहीं रहा उस चीज से करना। मान लीजिए किसी चीज को खाने को देख करके खुश होता था कि आज ये वाला खाना बना है, बट बाद में उसने क्या किया, उस खाने के अंदर इंटरेस्ट नहीं देख रहा, मूड चेंज हो गया, यानी कि अफेक्टिव इनकॉन्ग्रुइटी हो गया, इनएप्रोप्रिएट मूड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से इनएप्रोप्रिएट मूड का हो जाना, इसको कहते हैं अफेक्टिव इनकॉन्ग्रुइटी कहा जाता है। ठीक है, अफेक्टिव इनकॉन्ग्रुइटी मतलब मूड का इनएप्रोप्रिएट होना। अब देखो यहाँ एम्स में कैसे पूछा जाएगा, चार ए में से एक ए का नाम दे देंगे, बताओ ये है या नहीं है, चार तीन ए का नाम दे देंगे, बोलेंगे चौथा ए कौन सा होगा, तो आपको पता होना चाहिए। यूजी ने बोला प्राइमरी फीचर ये है, बेसिक फीचर ये, चार ए ढूंढना, अगर ये चारों ए है तो सिज़ोफ्रेनिया है। फिर यूजीन ने बोला कि सेकेंडरी फीचर्स भी आपको देखने पड़ेंगे, सेकेंडरी फीचर्स के बारे में बताएं। अब सेकेंडरी फीचर्स कौन से होते हैं साथियों? सेकेंडरी फीचर होते हैं एसेसरी फीचर, जो चार ए के अलावा भी कुछ निकलेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, दीज आर दी एसेसरी फीचर्स दैट आर सीन इन सिज़ोफ्रेनिया पेशेंट। सिज़ोफ्रेनिया पेशेंट में कुछ और भी फीचर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका, मैं बोलता हूं क्योंकि हमने पढ़ा ना सिज़ोफ्रेनिया, माने के सारे डिसऑर्डर्स पाए जाएंगे। जैसे कि मैं बोलूं डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन देखने को मिला, कि भैया परसेप्शन के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम है, तो जो लोग सिज़ोफ्रेनिया से ग्रसित होते हैं उनमें आपको इल्यूजन देखने को मिलेगा। इल्यूजन माने के कुछ चीज है उसको गलत समझेंगे, आपके सामने ये पेन है तो उसको रॉकेट समझेंगे, रॉकेट है तो पेन समझेंगे, इल्यूजन देखने को मिलता है। दूसरी बात, आप सिज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट में हेल्यूसिनेशन भी आपको देखने को मिलेगा। हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है उनको कई बार जो स्टिमुलाई नहीं है ना, फिर भी उनको ऐसा एहसास होने लग जाता है कि ये प्रेजेंट है, माने कि उनको आवाज आने लग जाएगी, अरे कोई मुझे आवाज दे रहा है, अरे कुछ दिख रहा है। तो याद रखिएगा ये बेसिक के अलावा वाले फीचर जिनको एसेसरी या सेकेंडरी फीचर यूजिन ने बोला। इसके अलावा आप देखेंगे कि डिसऑर्डर ऑफ थॉट भी आपको देखने को मिलेगा, डिसऑर्डर ऑफ थॉट। अब देखिए डिसऑर्डर ऑफ थॉट में क्या मतलब, कि इनके थॉट जो है ना उनके अंदर ब्लॉकेज आ जाए, कई बार इनका थॉट ब्लॉक की कंडीशन देखने को मिलेगा, कोई भी थॉट नहीं है दिमाग में, थॉट ब्लॉक। या फिर आपको इनके अंदर एक बीमारी देखने को मिलती है, डिसऑर्डर देखने को मिलेगा डिल्यूजन का, किसी बात को लेकर के बैठ जाएंगे। कई बार ये पेशेंट जो होते हैं इनके दिमाग में नए नए शब्द आते हैं, नियोलॉजिज्म का शब्द आते हैं, नियोलॉजिज्म मतलब नए नए शब्द बनाएंगे। ठीक है, नियोलॉजिज्म क्या हुआ,
तो ये क्या हुआ, पेशेंट के अंदर एक डिसऑर्डर ऑफ थॉट में आपको ये सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करें कि आपका जो पेशेंट होगा उसके अंदर आपको डिसऑर्डर, एक और डिसऑर्डर देखने को बोला यूजीन ने कि डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी देखिएगा, कहीं मोटर एक्टिविटी में भी कोई डिसऑर्डर तो नहीं आ रहा है। अब देखें डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी का क्या मतलब है, जो पेशेंट होते हैं सिज़ोफ्रेनिया वाले वो कई बार तो मोम के पुतले की तरह बैठे हुए मिलेंगे, यानी कि वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है आपको। क्या? वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है मोम के पुतले की तरह बैठे हुए, या फिर कई बार ये पेशेंट बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में होंगे, यानी कि कूदते रहेंगे, यानी कि कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, कैटाटोनिक एक्साइटमेंट देखने को मिलेगी, बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। ठीक है, कई बार आप इन पेशेंट में आप देखेंगे कि आपने कुछ शब्द बोल दिया तो वो उसी को बोलते रहेंगे दिन भर। तो जैसे कि आपको एक अलग फीचर और देखने को मिलता है जिसको कहते हैं इको ले लिया। कई बार एग्जाम में पूछते हैं, बार बार रिपीट कर रहा है किसी वर्ड को, बोल रहा है, क्या कहलाता है? इको ले लिया कहलाता है। आपको इनके अंदर देखने को मिलता है इकोप्रैक्सिया की कंडीशन। कि इकोप्रैक्सिया का मतलब है एक ही बात को, एक ही एक्शन को बार बार करना, उसको कहते हैं इकोप्रैक्सिया कहा जाएगा। तो मोटर एक्टिविटी में आपको ये बातें देखने को मिल रही है। कई बार इसके अंदर पेशेंट के अंदर स्टीरियोटाइप एक्टिविटी भी करते हैं, स्टीरियोटाइप एक्ट भी करते हैं, स्टीरियोटाइप एक्ट। स्टीरियोटाइप एक्ट का मतलब है मैनरिज्म का होना, नेगेटिव नेगेटिव होना, आप बोलोगे बैठ जाओ तो वो खड़े हो जाएंगे। तो ये मोटर एक्टिविटी का। तो यूजीन ने क्या बोला था, यूजीन ने बोला था चार तो बेसिक फीचर्स को ढूंढना, एसेसरी फीचर बाकी के जो बचे हुए हैं, जैसे उनका परसेप्शन चेक करना, उनकी थिंकिंग क्या सोचते हैं, क्या बॉडी का मूवमेंट है, क्या इनके इमोशन है, तो इमोशनल डिस्टरबेंस भी आपको देखने मिलेगा, जैसे कि आप कहते हैं डिसऑर्डर ऑफ इमोशनल डिस्टरबेंस। तो इमोशनल डिस्टरबेंस आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको बोला जाए कि इन पेशेंट के अंदर कोई फीलिंग आपको नहीं देखने को मिलती, जिसको कहते हैं एपैथी का हो जाना, लैक ऑफ इमोशंस, कोई इमोशन नहीं है किसी चीज के लिए। आपको इनके अंदर देखने को मिलता है ब्लंट इमोशन, की इमोशन है बट वो इमोशन उतने ताकतवर नहीं है। पहले मान लीजिए कि खुशी में बहुत अच्छे से हंसते थे, अब नहीं हंसते, बहुत कम हो गया उनका हंसना। तो ये ब्लंट इमोशंस का होना, एपैथी का होना, ठीक है, आपको ये देखने को मिलता है एक पेशेंट जो सिज़ोफ्रेनिया से गुजर रहा होता है। आपको यहाँ एक और आपको फीचर देखने को मिलेगा जिसको कहते हैं डिसऑर्डर ऑफ आपको देखने को मिलता है इनसाइट, डिसऑर्डर ऑफ इनसाइट। अब डिसऑर्डर ऑफ इनसाइट में क्या होता है, इनसाइट का मतलब है अपने पॉजिटिव, अपने नेगेटिव, अपनी कमी, अपनी ताकत को पहचानना। ये लोग जो होते हैं सिज़ोफ्रेनिया वाले, इनको कोई मतलब नहीं है, इनके अंदर इनको नहीं पता इनकी कमियां क्या है, क्या बीमारी से गुजर रहे, तो इनसाइट इनके अंदर एब्सेंट होती है, इनसाइट एब्सेंट होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम बात कर रहे हैं सिज़ोफ्रेनिया के बारे में, और सिज़ोफ्रेनिया में यूजीन ने बोला कि दो तरीके के फीचर आप ढूंढना जिनको कहा जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी फीचर। तो प्राइमरी और सेकेंडरी फीचर किस प्रकार से देखा, कि प्राइमरी फीचर तो वो फीचर है जो सारे फीचर बेसिक होते हैं, चार फीचर हैं बेसिक वाले, इनके अलावा कुछ और फीचर देखते हैं वो सेकेंडरी फीचर कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अलग साइंटिस्ट ने अलग कॉन्सेप्ट दिया, जिन्होंने बोला पॉजिटिव और नेगेटिव फीचर ढूंढना। तो जैसे कि आपको बोला जाए पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीचर के बारे में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीचर्स। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव फीचर क्या होता है, देखिएगा पॉजिटिव और नेगेटिव फीचर क्या होता है। पॉजिटिव फीचर की बात करें तो पॉजिटिव फीचर है, पॉजिटिव फीचर इज ऑल्सो नोन एज डेविएंट फीचर। एग्जाम में पूछा जाए डेविएंट फीचर कौन सा होता है, तो पॉजिटिव होता है, डेविएंट फीचर। पॉजिटिव फीचर इज ऑल्सो नोन एज डेविएंट फीचर। इट इज अ फीचर
which is present but need to be absent such that it makes the patient from reality away. अब ये जो फीचर है ना पॉजिटिव फीचर का मतलब ये है पेशेंट के अंदर कुछ ऐसे फीचर आ गए जो फीचर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए थे. क्या ऐसे फीचर जो प्रेजेंट नहीं होने चाहिए थे, जैसे कि ऐसे फीचर आ गए जो उसको असलियत से रियलिटी से दूर ले जा रहे हैं. मान लो एक पेशेंट है, उसको कुछ आवाज़ें आने लग गई, तो आवाज़ें रियलिटी में तो नहीं है आवाज़ें बट आ रही है, तो ऐसे फीचरों को कहा जाता है पॉजिटिव फीचर, कि जो फीचर जिनका एब्सेंट होना जरूरी था जिंदगी के में बट वो प्रेजेंट है, तो उनको कहा जाता है पॉजिटिव फीचर जो रियलिटी से दूर ले जा रहे हैं. तो आप देखें कौन कौन से होते हैं. इल्यूजन का होना, क्या होना, इल्यूजन का होना, ये एक तरह का पॉजिटिव फीचर है कि बीमारी बहुत भयंकर हो रही है, पॉजिटिव में जा रही है, बहुत भयंकर बीमारी हो रही है, रियलिटी से दूर ले जा रहा है. हेलुसिनेशन का होना, क्या हेलुसिनेशन का होना, ये एक अलग पॉजिटिव फीचर है. इसके साथ साथ किसी पेशेंट में डिल्यूजन होना, पेशेंट बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, ये भी एक पॉजिटिव फीचर है. इसके अलावा डाउट कर रहा है, शक कर रहा है, सस्पिशियसनेस का होना, ये आपका क्या है, एक पॉजिटिव फीचर है जो रियलिटी से बहुत दूर लेकर के जा रहा है. तो क्या बोला गया, दो तरीके के फीचर है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. पॉजिटिव फीचर का मतलब होता है कि असलियत में वो रियलिटी क्या है उसको अलग चीज़ दिखवा रहा है, ऐसे फीचर जो उसको अलग चीज़ दिखवा रहे हैं वो पॉजिटिव. नेगेटिव फीचर क्या होते हैं, नेगेटिव फीचर जो होते हैं, नेगेटिव फीचर, ये फीचर की बात करते हैं. दीज आर दी फीचर्स दैट आर एब्सेंट, दैट आर एब्सेंट, विच आर नीडेड टू बी प्रेजेंट, विच आर नीडेड टू बी प्रेजेंट, नीडेड टू बी प्रेजेंट फॉर नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक, फॉर नॉर्मल लाइफ. अब साथियों यहां समझिएगा नेगेटिव फीचर क्या होते हैं. आप किसी पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा फीचर आ रहे थे, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, कुछ दिखना, एग्रेसिव होना, सस्पिशियस करना, ये सारे फीचर थे जो असलियत से दूर ले जा रहे थे. हमने इलाज कराया, इलाज कराने के बाद क्या हुआ, पेशेंट के अंदर एक नॉर्मल फीचर जो होते हैं ना, वो नॉर्मल फीचर भी नहीं है, वो नॉर्मल फीचर भी खत्म हो गए, नॉर्मल फीचर भी एब्सेंट हो गए. इसी को कहते हैं नेगेटिव फीचर. यानी कि दीज आर दी फीचर डेट आर एब्सेंट विच आर नीडेड टू बी प्रेजेंट, ऐसे फीचर जो कि प्रेजेंट होने चाहिए थे बट एब्सेंट है. अब देखिएगा क्या हुआ, कैसे फीचर्स. आप नॉर्मल है, नॉर्मल इंसान है, सोसाइटी से मिलोगे, सोशली मिलना चाहिए ना, सोशली मिलना चाहिए, बट यहाँ पर उनके अंदर ये फीचर एब्सेंट हो गया, मिलने जुलने वाला, सोशल विड्रॉवल देखा गया. क्या देखा गया, सोसाइटी से विड्रॉ हो गए, सोशल विड्रॉवल आपने देखा. ये पहला फीचर. एक इंसान जब नॉर्मल हो जाता है तो बोलेगा, चलेगा, बातचीत करेगा, बट इन लोगों में ये बोलने चालने वाला नॉर्मल फीचर एब्सेंट हो गया, नेगेटिव फीचर. माने कि यहाँ पर आप उनमें देखोगे वो म्यूट हो गए, म्यूटिज्म देखने को मिला, बिल्कुल ही चुप हो गए. एक नॉर्मल इंसान के अंदर दिमाग में आइडियाज आते हैं, यहाँ नेगेटिव फीचर माने कि नॉर्मल इंसान वाले फीचर भी नहीं है, तो यहाँ आपके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, लैक ऑफ आइडिया, यानी कि एलोजिया की कंडीशन. एलोजिया का मतलब होता है कि कोई भी आइडिया दिमाग में ना आना एलोजिया कहलाएगा. अब देखिएगा एलोजिया के बाद यहां एक और फीचर होता है कि एक नॉर्मल इंसान में फीलिंग्स होती है,
बट यहाँ नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक ही एबसेंट होगा और यही नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होने चाहिए थे, नेगेटिव फीचर तभी तो कहलाता। यहाँ आपको एपैथी की कंडीशन देखते हैं कि इनके अंदर फीलिंग भी नहीं होती, इनके अंदर हमारे अंदर नॉर्मल है मोटिवेशन होना चाहिए, इनके अंदर मोटिवेशन भी नहीं पाया जाएगा तो ये फीचर भी एब्सेंट होगा। तो आप देखेंगे इनके अंदर पाया जाता है एवियोलेशन का मतलब है लैक ऑफ मोटिवेशन। तो ये सारे फीचर जो होने थे बट नहीं है, इनके अंदर ये सारी कमियां, ये सारे नेगेटिव फीचर है। एक नॉर्मल इंसान में जो फीचर होने थे ना वो फीचर नहीं है, इसको कहते हैं नेगेटिव। और पॉजिटिव में क्या होता है, ऐसे फीचर जो नहीं होने चाहिए थे फिर भी है वो पॉजिटिव फीचर कहलाते हैं। फिर आपके तीसरी तरीके का एक और क्लासिफिकेशन बताया, क्लिनिकल फीचर बताए कि इस फीचर से भी आप पहचान सकते हैं सिजोफ्रेनिया है या नहीं, जिसको कहते हैं फर्स्ट रैंक फीचर्स। अब फर्स्ट रैंक फीचर्स क्या चीज होती है समझिए। फर्स्ट रैंक फीचर वो होते हैं, अलग साइंटिस्ट थे जिनको कहते हैं कर्ट। कर्ट्स ने क्या बोला कि आप कुछ बातें नोट डाउन कर लेना, वही बातें आपको सिजोफ्रेनिया के बारे में बताएगी। बट जनरली हम प्राइमरी और सेकेंडरी फीचर को लेकर के चलते हैं कि इसी से पहचानते हैं। तो कर्ट ने बोला दीज आर दी फीचर्स एक्सप्लेन्ड बाय कर्ट सेचडीमर कर्ट सेचडीमर इन 1957 में कर्ट सेचडीमर ने फर्स्ट रैंक के फीचर बताए। अब इन्होंने बोला कि जो सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट होते हैं ना उनके अंदर आपको देखने को मिलती है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। तो पूछना कि आपको ऑडिटरी हेलुसिनेशन तो नहीं है, अगर किसी में ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो तो कहीं ना कहीं इनको है सिजोफ्रेनिया। फिर कर्ट ने बोला कि आप फर्स्ट रैंक सिम्टम में देखिएगा कमेंट्री हेलुसिनेशन, कि इन लोगों में कमेंट्री हेलुसिनेशन है क्या, कमेंट्री हेलुसिनेशन। अब देखिएगा हेलुसिनेशन मैं आपको समझाता हूँ, हेलुसिनेशन का मतलब है जय भाई होता है ना कुछ स्टिमुलाई है, मैं बोल रहा हूँ तभी तो आप सुन पा रहे हो। अब कुछ स्टिमुलाई नहीं है फिर भी एक इंसान को एक ब्रेन सोच रहा है समझ रहा है, हाँ यार मुझे आवाज़ आई, किसी ने आवाज़ नहीं दी फिर भी उसको आवाज़ आ रही है, कुछ भी नहीं है सामने फिर भी उसको दिखाई दे रहा है, समझ रहे हैं आप। तो याद रखिए कुछ भी शरीर पे नहीं चल रहा, कोई स्मेल नहीं आ रही, कोई टेस्ट नहीं आ रहा, फिर भी आता है लोगों को, इसको कहते हैं हेलुसिनेशन। अब देखिएगा यहाँ बोला जाता है मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन कौन सा होता है सिजोफ्रेनिया में, ऑडिटरी होता है। क्वेश्चन आ जाए कौन सा मोस्ट कॉमन है, ऑडिटरी है। क्वेश्चन आ जाए आपका कमेंट्री हेलुसिनेशन का मतलब क्या, कमेंट्री का मतलब है वो जब बैठा रहेगा तो उसके चारों तरफ उसको ऐसी आवाज़ आएंगी कि जैसे कमेंट्री मैच में कमेंट्री चलती ना, हाँ वो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो याद रखिएगा कमेंट्री हेलुसिनेशन। फिर इसने कर्ट ने बोला कि आप एक और बात को नोट डाउन कीजिएगा कि कहीं इस पेशेंट के अंदर थॉट ब्रॉडकास्टिंग के फीचर्स तो नहीं है, थॉट ब्रॉडकास्टिंग जिसको हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। यहां इन्होंने बोला कि कहीं किसी के अंदर डिल्यूजन ऑफ इंसर्शन तो नहीं है, थॉट इंसर्शन, या फिर थॉट विड्रॉवल तो नहीं हो रहा, उसके थॉट को कोई छीन तो नहीं रहा, थॉट विथड्रॉवल। तो आपने क्या किया ये सारे फीचर देखे, साथ के साथ उन्होंने बोला कि कहीं इस पेशेंट के ये ऐसा तो नहीं बोलता कि मुझे कोई और कंट्रोल करता है, यानी कि डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल तो नहीं है, क्या डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। तो मेरे प्यारे साथियों कर्ट ने ये बातें बोली कि आपको ये फीचर ढूंढने हैं, अगर ये फीचर पाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपके लिए सिजोफ्रेनिया में जा रहा है। अब देखिएगा ये तो आपके कुछ फीचर बताएगा ऐसे ऐसे पहचान सकते हैं, बट यहां पर सिजोफ्रेनिया जो होता है इसकी कुछ फेजेस होती हैं। क्या होती है फेजेस ऑफ सिजोफ्रेनिया,
फेजेस ऑफ सिज़ोफ्रेनिया, कि भाई अगर किसी को बीमारी पैदा हो रही है सिज़ोफ्रेनिया की, वो कैसे पैदा होती है सिज़ोफ्रेनिया की बीमारी, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कि सिज़ोफ्रेनिया की बीमारी कैसे पैदा होगी, तो इस बीमारी को, सिज़ोफ्रेनिया की बीमारी को नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो बीमारी फेजेस कैसे होगा सिज़ोफ्रेनिया, कितने तरीके का सिज़ोफ्रेनिया और ठीक कैसे करोगे सिज़ोफ्रेनिया, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू गाइस।